हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके CBT एग्ज़ाम के लिए मैंने सेट 4 लेकर आया है, जो कि यहाँ पर वायरमैन और मोटर मैकेनिक, रेडियो, TV, इलेक्ट्रीसियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेड है उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए आज का सेट 4 सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब लोहे के पाइप को दीवार के बाहर लकड़ी की गट्टी और सैंडल द्वारा फिक्स किया जाता है तो वह क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ एक बार देखिए कि जब लोहे के पाइप को दीवार के बाहर लकड़ी की गट्टी और सैंडल द्वारा फिक्स किया जाता है तो वह क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन बी है कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी है केसिंग वायरिंग और ऑप्शन डी है केसिंग वायरिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सी है केपिंग वायरिंग। तो ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंसील्ड वायरिंग में ही गट्टी और सैंडल द्वारा फिक्स किया जाता है लकड़ी को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रमुख प्रभाव है। तो विद्युत धारा का प्रमुख प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से मैंने जैसे क्वेश्चन बोला उसी समय आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद फिर आंसर तो बता ही दूंगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका कितना तैयारी है, किस लेवल तक आपका तैयारी है। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए हर क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, विद्युत धारा का प्रमुख प्रभाव कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव तीनों के कारण विद्युत धारा का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध की इकाई है, तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो कमेंट तुरंत करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई यहाँ बताना है कौन सी होती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी है बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है कूलाम, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे आप लोग, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार मुख्यतः बना होता है, तो किस चीज़ से बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है फ्यूज तार, वह यहाँ ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सीसा तथा टीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी लोहे से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से। कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही नंबर, सीसा तथा टीन से फ्यूज तार बना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है। निम्न में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है जर्मेनियम और ऑप्शन नंबर डी है रबड़। तो इसका कमेंट करके बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा। तांबा एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देती है तो उस अप्लायंस में अर्थ का मतलब कि क्या है, कोई फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं है अर्थ का, ये अर्थ जो पृथ्वी अर्थ फॉल्ट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो दोष है, ऑप्शन नंबर बी जो है कोई दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है फिटिंग ग्राफ खराब है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, मतलब कि अर्थ का कोई दोष नहीं है, मतलब अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं देता है तो उसमें
उस अप्लायंस का मतलब अर्थ का कोई दोष नहीं है, ठीक है, अर्थिंग का कोई दोष नहीं है उसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्थिंग करना कहाँ पर आवश्यक होता है। तो यहाँ बताना है अर्थिंग करना कहाँ पर आवश्यक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक उपस्करों के सभी मेटेलिक भागों पर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक उपस्करों के कुछ नॉन मेटेलिक भागों को अर्थिंग करना चाहिए, ठीक। इसके बाद है कंड्यूट की फिटिंग और दूसरे मेटेलिक आवरणों को अर्थिंग नहीं करना चाहिए, ठीक। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, मोटरों जनरेटरों ट्रांसफार्मरों हीटरों वायर बायलरों के फ्रेमों और मेटेलिक बेस प्लेटों को कभी भी अर्थिंग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रिक उपस्करों के सभी मेटेलिक भागों को, ठीक है, अर्थिंग करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्थिंग के दोष की जाँच के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। तो टेस्ट लैंप द्वारा अर्थिंग की जांच की जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मैगर द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा, इन सभी ए बी सी तीनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्ट लैंप बोल्ट मीटर एवं मैगर तीनों के द्वारा अर्थिंग की फॉल्ट अर्थ फॉल्ट जो होता है उसकी जाँच की जाती है, ठीक है। आप लोग मैं इस वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, मोटर कन्वर्टर सेट या फिर मोटर जनरेटर सेट, या ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस कन्वर्टर, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गार्डिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं, ठीक। गार्डिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मनुष्यों की सुरक्षा मतलब बिजली के झटके से सुरक्षा होती है गार्डिंग लगाने से, ठीक। इसके बाद झटके से जानवरों की सुरक्षा होती है, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है लो वोल्टेज की लाइनों को हाई वोल्टेज की लाइन के संपर्क में आने से रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि मनुष्यों की बिजली के झटके लगने से सुरक्षा के लिए भी गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जानवरों की सुरक्षा के लिए भी, और लो वोल्टेज लाइनों के हाई वोल्टेज में टच होने से बचाने के लिए भी गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। तो सोल्डरिंग किस प्रकार की जाती है यहाँ बताना है आपको। ऑप्शन ए है इसका, यह ब्लो लैंप द्वारा की जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है, यह टाका पात्र और कलही द्वारा की जाती है, और ऑप्शन नंबर सी है, यह आयरन द्वारा की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा, मतलब कि ब्लो लैम्प टाका पात्र और कलई और इसके बाद आयरन द्वारा भी, इन तीनों के द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सब। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। और इसमें देखिए पूछा गया है सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को बहुत जल्दी से सर्किट से कट ऑफ कर देना, ठीक। इसके बाद है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को अत्यधिक देरी से सर्किट से कट ऑफ कर देना। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है शॉर्ट सर्किट बार बार होने देना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर का जो मुख्य कार्य होता है वो इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को बहुत जल्दी से सर्किट से कट ऑफ कर देना है। तो ये कट ऑफ कैसे हो जाता है तुरंत, तो ये कोई भी फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक नहीं है।
तो यहाँ पर सुचालक बताना कि कौन सा एक सुचालक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है अभ्रक। तो सुचालक का मतलब कि जिसमें करंट फ्लो होता है तो वो सुचालक कहलाता है, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है वो कुचालक कहलाता है या अचालक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक एक सुचालक नहीं है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कुचालक नहीं है। तो कुचालक नहीं है, यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, ये बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका है कपास, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन नंबर डी है सिल्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल कंडक्टिंग मटेरियल में आ जाएगा, यह धातु है, ठीक है, और बाकी सारे चीज़ ये सब ये इंसुलेटर मटेरियल में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। भू, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि एक बार फिर से क्वेश्चन पहले देखते हैं। अर्थ टेस्टर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है भूमि का प्रतिरोध जांचने के लिए, ऑप्शन बी है एसी करंट जांचने के लिए, ऑप्शन सी है भूमि का गतिरोध जांचने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि का प्रतिरोध जांचने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, किसी चालक के एक इकाई लंबे और एक वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल के मध्य के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के इकाई लंबाई और एक वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल के मध्य के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है चालक, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी धारा का संकेत निम्न में से कौन सा होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इस प्रकार का कर्व बना हुआ है, ठीक, ये कर्व हो गया, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये डायरेक्ट डीसी करंट का जो है, ये डीसी धारा जो पूछा हुआ है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म से ही आप लोग निकाल सकते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का जो संकेत है ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडेंसर का संकेत निम्न में से कौन सा होता है। तो कंडेंसर आप लोग देखे होंगे, पंखे वगैरह में भी कंडेंसर लगाया जाता है, या फिर कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जो बनाया जाता है उस पर कैपेसिटर लगा होता है, तो कि उसका जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कंडेंसर का ये सर्किट हुआ संकेत चिन्ह, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सोल्डरिंग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए यहाँ बताना है। तो सोल्डरिंग करने से पहले बिट को साफ कर लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है सोल्डरिंग आयरन अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सोल्डरिंग से पहले बिट का फ्लक्स व सोल्डर लगा लेना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी बातें की सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लश स्विच को कहाँ लगाया जाता है। फ्लश स्विच को कहाँ लगाया जाता है, मेन स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो फ्लश स्विच के बारे में यहाँ बताना है, मेन स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी दीवार के अंदर लगाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दीवार के बाहर लगाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह मेन स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डीसी मोटर, यहाँ देखिए डी होगा, डीसी मोटर नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड मोटर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों मोटर जो दिया हुआ है ये तीनों डीसी मोटर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि डीसी मोटर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर का प्रयोग
ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ हर समय क्या होता है, लोड नहीं रहता है, या अत्यधिक लोड रहता है, या लोड रहता है, या कम लोड रहता है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर लोड रहता है वहाँ पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के किस क्रम में लगी रहती है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समानांतर क्रम में लगी होती है शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग, या श्रेणी क्रम में लगी होती है, या समांतर श्रेणी दोनों में लगी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी होती है। आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर, यहाँ देखिए फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग फेसबुक पेज को लाइक करें और वहाँ से आप लोग पुराने जितने भी पेपर प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल वायर वायरिंग किस प्रकार के तार द्वारा की जाती है? तो फ्लेक्सिबल वायर वायरिंग किस प्रकार के तार द्वारा की जाती है? तो VRI तार द्वारा की जाती है, या फिर PVC तार द्वारा की जाती है, या फिर TRS तार द्वारा की जाती है, या फिर लेड शीथ तार द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PVC तार के द्वारा वायरिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का मैं हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से आज के 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।